हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इमरान साहब सूरत गुजरात के लिम्बियात में एक बहुत बड़ा मुस्लिम समाज में काम हुआ। मंगलवार को यहाँ पर 101 निकाह लगाए गए और ये निकाह बहुत सादगी से अमल में आए। इस निकाह का इंतजाम फैज वेलफेयर जामिया फैजुल कुरान मदरसा अन उरुल कुरान के सहयोग से किया गया। इस समय यहाँ पर मौलाना शोएब साहब यूके वाले, मौलाना हबीब साहब अहमदाबाद, कारी अहमद अली साहब, जुनेद भाई इस निकाह में मौजूद थे और निकाह बहुत सादगी से हुआ। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात अब तक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त लिम्बायत के एक मैदान में यहाँ पर जमा हैं और हमारा यहाँ जमा होने का मकसद ग्रुप वेडिंग और समूह लगन है। ये पूरा आयोजन है फेज वेलफेयर एड यूके की तरफ से, जिसके जिम्मेदार भी यहाँ पे मौजूद है, और दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन है जामिया फैजानुल कुरान अहमदाबाद, मौलाना हबीब अहमदाबाद की तरफ से। तो ये इस वजह से हम यहाँ पर जमा है। यहाँ 101 निकाह इस वक्त हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 101 निकाह का एक ही वक्त में एक ही मजलिस में हो जा, ये अल्लाह का करम है। और ये फैज वेलफेयर एड और जामिया फैजानुल कुरान और यहाँ के जिम्मेदारों का बहुत बड़ा इसमें हिम्मत और हौसला है। आज बहुत सारे मेहमान आए जिसमें बुद्ध मजहब के भी फरिश्ते थे, क्रिश्चियन मजहब के भी फरिश्ते थे, और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर थे, बहुत सारे ऐसे थे जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स के ओहदे पर आगे हैं। जैसे मेरे पास इस वक्त हमारे हाजी रईस प्लास्टिक बैठे हैं, बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, और भी दूसरे पॉलिटिकल लीडर भी हैं। ये पहली मरतबा मैं अपनी जिंदगी में महसूस करता हूँ कि हमारा मंच जो है हर तरह के लोगों से भरा हुआ था। इंडिया के बाहर से इस वक्त हमारे मेरे ये लेफ्ट में बैठे हुए मौलाना शोएब साहब ये यूके से आए हैं, और दो हमारे जवान, एक मोहम्मद मुंशी और एक ओएस मुंशी, ये दोनों भी यूके से आए हैं। सामान में इतना सामान दिया गया, जैसे अगर मैं आपको गिनवाने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ को अपनी लाइफ स्टार्ट करना हो और घर में जो चीजों की जरूरत होती है वो सारी जरूरतें इनको दे दिए ताकि एक हस्बैंड और वाइफ अपनी जिंदगी को शुरू कर सके। आज मुख्य मेहमान आप बने और ट्रस्ट को क्या कहना चाहूंगा? देखो, यहाँ पर जो ट्रस्ट काम करते हैं, चाहे वो लिम्बायत वालों का हो, चाहे वो फैज वेलफेयर एड हो, या चाहे वो हमारे हाजी जुनेद ओरा वाला का हो, या जामिया फैजानुल कुरान है, या खुद हमारा ट्रस्ट मजलिस से फैज सुलेमानी है, मैं सब ट्रस्ट को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस वक्त जरूरत है एजुकेशन की, इस वक्त जरूरत है इल्म की, नॉलेज की, सोशल वर्क की, और हमको खुद भी बहुत मेहनत से पढ़ना है और हमारे बच्चों को पढ़ाना है, और एक उम्मीद रखना है कि हमारे हर बच्चे का फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर हो जाए। मेरा नाम हाजी रईस, हाजी शमसुद्दीन है। किस तरह का प्रोग्राम है कि आज यहाँ पे 101 कपल का प्रोग्राम हुआ जो फ्री निकाह था अल्हम्दुलिल्लाह लिम्बायत के अंदर। इसमें जोड़ों के लिए अपने जीवन जरूरत की जो भी चीज थी, बर्तन, पलंग, कबाट, सब कुछ अपने दिया। और इसमें जो खासकर के इनको जो मैसेज क्या देना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई जो लोग है इसमें कुछ बड़े लोग भी हिस्सा लेवे, यानी कि निकाह यहाँ खराब है तो उसके साथ बड़ों के साथ ये गरीब का भी हिम्मत खुलती है और वो निकाह एक अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक तरीके से होना चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अंदर फैज वेलफेयर एड, मदरसा अनवारुल कुरान और जामिया फैजानुल कुरान, फैजानुल कुरान अहमदाबाद वाले मदरसे, ये तीन जुड़े हुए। मैं खास मेहमान की बात करूँ तो मेहमान है, खास मेहमान मौलाना शोएब यूके वाले थे, मौलाना हबीब साहब से अहमदाबाद वाले, कारी अहमद अली और जुनेद भाई ओरा वाला थे। दोस्तों आज फैज वेलफेयर एड ग्रुप वेडिंग प्रोजेक्ट 2023 के इनका में मदरसा अनवारुल कुरान की टीम ने काफी मशक्कतें मेहनतें की है, जिसका नतीजा हम आज लगी।
सलाम। बरल ऊपर से आना भाई। शहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जब गम का मौका आ जाए तो सब्र किया करो।